ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं कुछ ज्यादा ही परेशान थी तो माँ से ऐसे ही बोल दिया, मैं आपके साथ घर चल रही हूँ। तो तुम वो पढ़ाई के बारे में क्या बोल रही थी? मैं तो बस यही कह रही थी कि मुझे आगे पढ़ाई करनी थी। गाड़ी तैयार है दामाद जी? अरे मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया, बुआ जी 2-3 दिनों में वापस चली जाएगी और फिर कुछ दिनों में आप भी शहर चले जाएंगे, फिर मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तुम रो क्यों रही हो? मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आता रहूंगा, और जैसे ही नीरव की शादी हो जाएगी मैं तुम्हें भी अपने साथ लेता जाऊंगा। ठीक है, पर शहर जाकर मुझे भूल मत जाना। अगली सुबह, शुक्र है भगवान का, आज मैं समय से उठ गई। आज मैं एकदम मन लगाकर काम करूंगी, एक भी गलती नहीं करनी है मुझे। जल्दी से चाय बना लेती हूँ और पंकज को दे आती हूँ। आँख खुलते ही गर्मा गर्म चाय मिलते ही वो खुश हो जाएंगे। एक वही तो है जिनकी मुस्कान मेरे दिन भर की थकान को मिटा देती है, और वो मेरे इतना कुछ। अरे चाय गिर गई, सुबह सुबह ही गड़बड़ हो गई। बुआ मेरी डाइट कहाँ है? आपको मालूम है ना कि इस समय मुझे मेरी डाइट चाहिए होती है। अरे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? किचन के अंदर रखा है, जाकर ले ले। बुआ भाभी को समझा दो कि कल से मेरा खाना बाहर ही रख दिया करे। ऐसे बात करता है अपनी भाभी से? तू ऐसा ही बर्ताव करता रहेगा तो कैसे चलेगा काम? बस करिए बुआ जी, मैं बिना अपनी डाइट लिए ही चला जाता हूँ। अच्छा रुक, मैं लाती हूँ, खाली पेट घर से नहीं निकला जाता। नौटंकी कहीं का, भाभी जिंदा होती तो अच्छे से समझाती तुझको। रात में 10 बजने वाले हैं और वृंदा अभी तक नहीं आई, ऐसा कौन सा काम कर रही है वो? कल के काम भी आज ही कर देगी क्या? ठीक है बुआ जी, जैसे आपने समझाया मैं वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। अरे बुआ जी आप अभी तक सोई नहीं? बुआ जी कल जाने वाली है ना, इसलिए हम बस कुछ बातें कर रहे थे। ठीक है, वैसे अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए, कल सुबह सुबह उठना भी तो है। अरे वृंदा बेटा जा तू भी सो जा, वरना ये पंकज ऐसे ही चक्कर लगाता रहेगा। आप मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो अब सो जाओ, बुआ जी सुबह ही चली जाएंगी और कुछ दिनों के लिए मौसी भी यहाँ आएगी, बहुत काम होगा तुम्हें सुबह। सुबह सुबह पूजा करने के बाद वृंदा सारे घर में आरती दिखा रही थी। दूध ले लीजिए दीदी जी। अरे दूध वाला भी आ गया, ये भी मुझे ही करना होगा। भैया आजकल दूध में बहुत पानी रहता है। अरे का करे दीदी, भैंसिया पानी पीती है तो दूधवा में भी तो पानी रहेगा ना। कितना भी शिकायत कर दो, दूध में पानी डालना नहीं छोड़ते ये लोग। अरे पर्दे में आग कैसे लग गई? क्या करूं, कैसे बुझाऊं इसे? हवा करके बुझाती हूँ। आ मेरी साड़ी में आग लग गई और घर में भी आग लग गई, अब क्या होगा? मेरी वजह से सब सड़क पर आ जाएंगे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।